है वो कैलकुलेशन गलत होने की वजह से बार बार उनको प्लान चेंज करना पड़ता है, उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। लेकिन स्वामिनी पहले दिन से आज तक कभी अपना प्लान चेंज नहीं किया, अपना हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है, हमारा प्लान परफेक्ट है, इसलिए पिछले 4 साल में कभी एक बार भी दिक्कत नहीं आएगी और आने वाले 5 साल में भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कंपनी के लिए मतलब आप सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप और यहाँ आप हमारा बिजनेस इतना ट्रांसपेरेंट है कि रोज हमने पहले दिन से अगर मार्केट का पैसा फंड मुझे अगर यूज करना है, पैसा मिस यूज करना है, तो हम पे आउट वीकली दे सकते थे, 15 दिन में दे सकते थे, मंथली दे सकते थे, लेकिन हमने डेली क्लोजिंग डेली पे आउट पहले दिन से दे रहे हैं। और यहाँ हमारा बिजनेस इतना ट्रांसपेरेंट है दोस्तों कि आप लीडर लोग देखते हैं, आपको मालूम है रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे 11:30 बजे तक अमित सर आपको पिन देते हैं, 12 बजे के अंदर आप लॉग इन करते हैं और सुबह 9 बजे 8 बजे आपका पे आउट आपके खाते में चला जाता है। तो यहाँ कंपनी बंद होने का भाग के जाने का कोई गुंजाइश भी नहीं है और आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। स्वामिनी आपके साथ थी, आपके साथ है दोस्तों और आपके साथ ही रहे। लास्ट क्वेश्चन है सर, ये है कि गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रही है कंपनी या कैसे, जो नए रूल्स है उनको, तो ये क्वेश्चन था कुछ होगा गवर्नमेंट के रूल्स। बिल्कुल बिल्कुल, आज जितने लोग आज आप ऑनलाइन में सुन रहे हैं सब ध्यान में रखो, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट का MLM के ऊपर फाइनल रूल कुछ भी नहीं बना। आपको जो कंपनियां जो लोग बोल रही है अभी, जो ये IDFC या कुछ संस्थाएं है, ये NGO है, मतलब ये गवर्नमेंट का रूल नहीं है, गवर्नमेंट आपको लाइसेंस नहीं दे रही है, ये गवर्नमेंट पिछले 16 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर सिर्फ स्टडी कर रही है। यहाँ कुछ भी ऐसा फाइनल रूल नहीं बना, जब बनेगा तब गवर्नमेंट के साथ हम फॉलो करेंगे, उनको रूल्स को फॉलो करेंगे। और मेरा गवर्नमेंट से मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा, ऑलरेडी मैंने गवर्नमेंट को मेरा अप्लाई भी कर दिया है, मैंने गवर्नमेंट को सबमिट भी कर दिया है कि गवर्नमेंट के कुछ कंपनियां बोलती है कि बाइनरी सिस्टम बंद करो, मैं उल्टा बोलूंगा बाइनरी ये बांटो। कुछ कंपनियां बोलती है कि रजिस्ट्रेशन फ्री करो, मैं बोलूंगा बिल्कुल रजिस्ट्रेशन मत रखो। अगर कोई लीडर कोई नेटवर्कर 1600 रुपए का ज्वाइनिंग नहीं दे पाता, 1600 में अगर तो फ्री रजिस्ट्रेशन करना है तो वो बिजनेस क्या करेगा। अगर आप सपने देखते हो करोड़ों रुपए कमाने का, लाखों रुपए कमाने का, और आप 1600 रुपए नहीं दे पा रहे हो, नहीं ID लगा पा रहे हो, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे दोस्तों। अगर एक कहावत है, आप सिनेमा हॉल में जब पिक्चर देखना चाहते हो तो सिनेमा हॉल का टिकट घर का सिनेमा घर का टिकट का प्राइस रहता है 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए रहता है ना। तो वहां 100 रुपए टिकट देने के बाद आप 3 घंटा चुपचाप एक कुर्सी पे बैठ के पूरा पिक्चर देखते हो, चाहे वो पिक्चर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन वहां आपने 100 रुपए दिया है इसलिए 3 घंटा वहां बैठते हैं आप। उसके उल्टा जाओ, आपके गांव में बहुत सारे मंदिर होंगे, मस्जिद होंगे, वहां प्रार्थना होती है, वहां कोई साधु आके आपको गाइड करता है, वहां 1 रुपए भी फी नहीं होता, लेकिन आप आधा घंटा भी जाके वहां नहीं बैठ पाते। क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि वहां आपने कुछ पैसा नहीं लिया, उल्टा सिनेमा घर में आप जाके पैसा देते हो, इसलिए चुपचाप एक ही जगह 3 घंटा बैठते हो। इसलिए गवर्नमेंट को मैंने बता दिया है कि सर 0 पिन वाला फ्री सिस्टम वाला बिल्कुल सिस्टम मत रखो। गवर्नमेंट बोलती है एक पैन कार्ड एक ID रखो, मैं बोलूंगा अगर आपके एक पैन कार्ड पे आपके पास दम है तो आप 10 ID चलाओ, 10 ID का टैक्स पेड करो, क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट को टैक्स लेने के लिए ही बैठी है ना गवर्नमेंट। तो एक पैन कार्ड एक ID, ये जो बाकी कंपनी वाले डर देते हैं ना, तो मैंने उल्टा गवर्नमेंट को बोला है
अनलिमिटेड एक पैन कार्ड पे कितना भी आईडी लगाओ, 5 आईडी लगाओ, 10 आईडी लगाओ, 50 आईडी लगाओ। आप गवर्नमेंट कुछ कंपनियां गलत फहमी फैला रही है दोस्तों। मैं आपको डायरेक्टली ऑफर दूंगा, आप स्वामिनी में ही काम मत करो, स्वामिनी जैसे 10 कंपनी में काम करो, जहां पैसा मिलता है वहां काम करो, क्योंकि मैं नेटवर्क करूं। मैं बोलूंगा बहुत सारी कंपनियां आपको डर देती है कि आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। स्वामिनी में खुला ऑफर है दोस्तों, आप जितना भी आईडी लगाओ, इनकम करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गवर्नमेंट से दोस्तों अप्लाई किया है कि मेरी इच्छा है कि मैं डेली क्लोजिंग डेली पे आउट दूंगा। गवर्नमेंट के जो नया रूल बताया जा रहा है उसमें बोलते हैं मैं मंथली पे आउट दे दो, क्यों? नेटवर्कर को रोज पैसा चाहिए ना। तो मैंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि सर मैं रोज पैसा बांटने के लिए रेडी हूं, मेरी इच्छा है कि नेटवर्कर को रोज पैसा चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट जो बनाया है अभी रूल कुछ फाइनल नहीं है, उसके बारे में आप बिल्कुल चिंता मत करो। गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर स्टडी चल रहा है, और उसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बनाएगी, कंपनी के एमडी या कंपनी के भी सुझाव वो ले रही है। तो बहुत सारे सुझाव जो मैंने आपको बताया, एक पैन कार्ड अनलिमिटेड आईडी, आप डेली क्लोजिंग डेली पे आउट, ये मैंने मेरे कंपनी की तरफ से गवर्नमेंट को अप्लाई किया है, सर इसको आप परमिशन दे दो। तो गवर्नमेंट भी काम करेगी उसके ऊपर, जब फाइनल होगा तब वो काम करेंगे। और आज के डेट में भी आप जो काम कर रहे हैं ये 100% दोस्तों लीगली है, अनलीगली कुछ भी नहीं है। एक तो हम इंडिया में है, आपका मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड है, मतलब हम लीगली है। कंपनी का बैंक में करंट अकाउंट है, करोड़ों रुपए ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो लीगली है। हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट है, वो लीगली है। हमारे कंपनी के जो हर्बल हेल्थ प्रोडक्ट है वो लीगली है, मतलब 100% लीगली काम कर रहे हैं। इसलिए आप किसी कंपनी ने आपको मिसगाइड किया या आपको कुछ डाउट आया तो कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और आपको ऑल ओवर इंडिया सभी नेटवर्कर को मैं ये गारंटी देता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में किसी भी नेटवर्कर को कोई भी इश्यू आए तो मुझे कभी भी कॉल करो, सुनील खोत पर्सनल एज अ चेयरमैन आपके साथ है। थैंक यू सो मच सर। लास्ट एक और क्वेश्चन की, अगर कैरी फॉरवर्ड रखते हैं हमारी कंपनी में तो क्या नुकसान होगा और अदर कंपनी को क्या नुकसान, मतलब अगर मालूम बात कई लोग का ये रहता है कि कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं है कंपनी में, तो क्या जवाब देना चाहिए सर? जवाब इतना ही दे दो कि पिछले 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकालो, 30 साल की एक इस मीटिंग होने के बाद कागज और पेन ले लो, और पिछले 30 साल में बाइनरी बांट रही है और 30 साल से कोई कंपनी चल रही है, 5 साल से कोई कंपनी चल रही है, जो कंपनी पावर लाइन कैरी फॉरवर्ड देती है वो कंपनी 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कंपनी बंद ही करना पड़ता है। पावर लाइन कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम कैलकुलेशन बहुत गलत है, इसलिए कोई भी कंपनी जो बोलती है, कोई भी कंपनी, आज मार्केट में 30,000 कंपनियां चल रही है ऑल ओवर इंडिया में, जो कंपनी पावर लाइन कैरी फॉरवर्ड देती है वो कंपनी 100% बंद हो गई है और बंद ही होगी। लेकिन स्वामिनी का जो कैलकुलेशन वाला प्लान है, मैं आपको 25 साल नहीं बोला क्योंकि लोगों को बिलीव नहीं होता, लेकिन आज मैं आपको क्या बोला, 5 साल, अगर 3 साल में 1600 रुपए के ज्वाइनिंग में प्रोडक्ट देके 1500 रुपए बाइनरी देके डेली क्लोजिंग डेली पे आउट देके स्वामिनी इसीलिए चल पा रही है कि उसका बोथ साइड फ्लश आउट है। और ये जो बिजनेस है ये दोस्तों आपको हंसी होगी, आप तो कर रहे हो लेकिन अगर आप कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे ना तो आपके बच्चे भी स्वामिनी का काम करेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि कैलकुलेशन इतना परफेक्ट है कि कैरी फॉरवर्ड वाली कंपनियां ना आज तक मार्केट में चली है, चलेगी कुछ समय के लिए चलेगी, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, या उसके लिए क्या बोलते हैं कि हीटिंग, इसमें जो कैलकुलेशन का पार्ट नारद सर मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि जब आप पावर लाइन कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना तो वहां 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम
हीटिंग बैठता है तो वहां कंपनी के पास पैसा नहीं बचता, कुछ समय के लिए कंपनियां चलती है, मजा आता है, लेकिन बाद में फिर आपका टीम कोलैप्स हो जाएगा, कंपनी बंद करना पड़ेगा। तो एमवे जैसी बढ़िया कंपनी, 30-30 साल कंपनी ने बिजनेस किया, जनरेशन प्लान में काम किया, उनका कैलकुलेशन क्या था कि एक महीने से 30 तारीख तक बिजनेस करो, फिर 30 तारीख को दोनों साइड जीरो जीरो हो जाएगा, फिर 1 तारीख से नया बिजनेस चालू हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने पिछले 30 साल में कभी अपना प्लान चेंज नहीं किया, 30 साल से कंपनी मार्केट में चल रही है। और स्वामीनी का भी सेम सिस्टम है, आप डेली काम करो, डेली पेयर मैच करो, डेली इनकम ले लो, डेली फ्लश आउट हो जाएगा। और ये सिलसिला 3 साल तक चल चुका है, 4 साल पूरा हो जाएगा और आने वाले 10 साल तक यही सिलसिला चलेगा दोस्तों। इसलिए पावरलाइन कैरी फॉरवर्ड का बिजनेस ना चला है ना चलेगा। थैंक यू सो मच सर, आपका अपना कीमती वक्त और हमारे पूरे पार्टनर का जो सवाल था, उनके डाउट थे, उनको क्लियर किया। थैंक यू सो मच सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर कि आपने आज हमारे